मेरी ख्याल वो भूल गया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे और इसके बाप की जिम्मेवारी लगाई थी कंडेला के किसानों से बात करने की। कहीं कोई अगर कंडेला में किसान के साथ पुलिस ने ज्यादती करी तो इसके बाप की गलती की वजह से। ईशान हो गया का मारने की आदत है, तो घर पर हरे झंडो टांग ले, जे तेरे का नहीं कोई जाग ले तो मन कह दे। तेरो जो कुछ साधन है मेरे लहर हरी पट्टी लगा ले, जे पुलिस वाले भी हाथ कर ले तो मन बता दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं एलनाबाद विधानसभा के गांव चारवाला की, जहां पर आज जो है वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन भाजपा को छोड़कर जो है वो इनेलो के साथ आए हैं और ब्लॉक समिति चेयरमैन के साथ साथ कई गांवों के सरपंच और ब्लॉक समिति के जो जीते हुए सदस्य हैं वो भी जो है आज इन्होंने इनेलो में आस्था जताई है। कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला को बड़ी ताकत जो है वो इधर चोपता ब्लॉक के जो सर्वसहमति से जो चेयरमैन चुने गए थे ब्लॉक समिति के, उन्होंने आज भाजपा छोड़कर जो है इनेलो में अपनी आस्था जताई है। अभय सिंह चौटाला को बड़ी ताकत यहाँ पर मिली है। आपको कार्यक्रम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। अभय सिंह चौटाला इस बारे में क्या कहते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैंने अपने हल्के के कार्यक्रम रखे हुए थे, 25-26 गांव के कार्यक्रम हैं, अब तक 12 गांव के कार्यक्रम कर पाया। एक एक गांव में जहाँ तीन तीन चार चार जगह जाना था मुझे, वहाँ लोगों ने 10-10 जगह ले जा करके मुझे आश्वस्त किया कि तू बाहर जा, हरियाणा संभाल, हमारी जिम्मेवारी हल्का, हम अपने आप संभालने। चारवाड़ा गांव में मेरे आज 4 प्रोग्राम थे और सबसे बड़ी बात यह थी आज के दिन की मेरी, कि ब्लॉक समिति का जो चेयरमैन सर्वसम्मति से बना था, आज अपने गांव के तो सब साथियों को साथ शामिल किया ही किया, उसके अलावा कई सरपंच शामिल हुए हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर शामिल हुए हैं और सब ने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है। और इन्होंने कहा कि हम अपनी टीम बना करके अलग से सारे गांव में जाएंगे और आपके लिए काम करेंगे। मैंने भी इनको आश्वस्त किया है कि मैं आपकी राजनीतिक पहचान बढ़ाऊंगा, आपकी राजनीतिक ताकत बढ़ाऊंगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इस इलाके में विकास के अच्छे काम हो इसके लिए सरकार की तरफ से देने का काम करेंगे। चुनाव का लगभग 1 सप्ताह बचा है, चुनाव का 1 सप्ताह बचा है लगभग, हरियाणा की इस एक हफ्ते में भाजपा की कांग्रेस की सफाई कर दूंगा। बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, श्रोमणी अकाली दल और आलोपा, इन चारों का हमारा गठबंधन है, हम सरकार बनाएंगे। आज की डेट में 30 से 35 सीटें जीत रहे हैं। अगले इस एक हफ्ता में मेरे और बहन मायावती जी के 3 कार्यक्रम हो रहे हैं, उसके अलावा मेरे रोजाना चर्चा अलग अलग हलकों के कार्यक्रम रखे हुए हैं। मैंने इन अगले एक सप्ताह में हर हालत में हम 40 से आंकड़ा पार करेंगे। कल खारिया में एक प्रोग्राम था, वहाँ बड़ा मतलब आरोप लगाया गया कंडेला कांड से। किसका प्रोग्राम, कौन सा कांड है? कंडेला कांड ऐसा जिक्र किया था कि उन्होंने किया था, हमारी छवि खराब कर दी परिवार की। मैं तो जानता भी नहीं लोगों को जो इस तरह की भाषा बोलते हैं। सभी तो इन्होंने अपने खुद की अपने आप खराब कर ली बेचारा। ये कहीं बड़े नेता बनने के चक्कर में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पीठ पे छुरा घोंप के निकले थे, अब लोगों ने इनको इनकी जमीन दिखा दी। मेरी ख्याल वो भूल गया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे और इसके बाप की जिम्मेवारी लगाई थी कंडेला के किसानों से बात करने की। कहीं कोई अगर कंडेला में किसान के साथ पुलिस ने ज्यादती करी तो इसके बाप की गलती की वजह से। आप तस्वीरें देख रहे थे चारवाला गांव की, जहां पर आपने अभय सिंह चौटाला की बात सुनी। उन्होंने जो खारिया में दिव्य सिंह चौटाला ने जो इनेलो पर आरोप लगाया था, चौधरी अभय सिंह चौटाला पर आरोप लगाया था, उसका जवाब देते उन्होंने कहा कि कंडेला में जो कुछ हुआ
वो दिग्विजय के बाप यानी अजय सिंह चौटाला का जो है करा धरा है। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी जिम्मेदारी वहां पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लगाई थी, वहां जो है देखभाल की जिम्मेदारी लगाई थी, लेकिन जहां वहां पर जो भी ट्रेजरी हुई, जो भी नुकसान हुआ, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो अजय सिंह चौटाला की है, ऐसा अजय सिंह चौटाला ने यहाँ चारवाला में कहा है। आप ये वीडियो इस समाचार पर देख रहे थे, मैं हूँ LD स्वामी, धन्यवाद।